परीक्षित पहले के जमाने में एक ही दो चुगला आते, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। और पता है सबसे बड़ो चुगला काम कवे करते हैं, जब गावों को ब्याह हुए गुआ है ना, शादी हुए गुआ है ना, तो चुगला सबसे पहले जैसे यहां से निकली कुसमरा पहुंची, तो सबसे पहले लड़का देख के जैसी लड़की वाले निकल के पहुंचे कुसमरा, तो चुगला पहले ही वहीं बैठो मिल गो। बोले भैया राम राम। बोले राम राम भैया, कहां से आए हो? बोले फलाने गांव से आई, एक लड़का देखो मैं सोच रहे बिटिया करते, लड़का घर परिवार बढ़िया है। चुगला बोलो भैया हाँ बहुत बढ़िया रही है, तुम कहां से हो? चुगला बोलो भैया मुंबई गांव से। अरे तो तुम तो बहुत बढ़िया, तुम जान तो ही हो कि घर परिवार लड़का कैसे है। चुगला ने जवाब दो, हम उनके घर परिवार सबको जाने, लड़के जाने बाबा परदादा सबको जाने। तो बोले बताओ कैसे है। बोलो भैया लड़का। बोले हाँ लड़का बहुत अच्छो बहुत बढ़िया, कोई कमी तो ना? अब तुम अपने हो चुके हो, वैसे कमी तो कुछ ना है, लेकिन वो लड़का जो है ना वो कबो कबो प्याज खाए ले तो लियो तो कुछ कमी है। बोले वो ऐसे प्याज ना है खा तो जब कबो पी ले ना तब ही प्याज खाते। अरे लड़की वाले बोले वो पीता भी है। चुगला बोलो भैया तुम गलत समझ रहे हो, तो वो ऐसे नहीं पीता, जब कबो जैसे लड़का की संगत में जुआ हुआ खेल ले तो पी लेते, वो जुआ भी खेलता है। चुगला बोलो तुम गलत समझ रहे हो, जब कबो लड़का की संगत में पड़ जाए डकैती अकैती डाल ले तो जुआ खेल लेते। अच्छा तो वो डकैती भी डालता है। बोले भैया तुम गलत समझ रहे हो, फिर अब दादा परदादे तो जमीन तो है ना, तो डकैती तो न जमीन है, जुआ खेले डकैती डाले शराब पिए प्याज खाए ऐसे घर में अपनी बिटिया को कर सकत हो कोई ना है? बोले हम नहीं कर सकते ऐसे घर में। चुगला बोले भैया तो तुम अपनी बात अति हमने ताशो बता दी, फिर तुम जानो भैया राम राम हमाओ काम हो फिर मुलाकात हो। आदत होती है जब शादी हुए कुमाए ना तो जरूर बोलेंगे। कहो चुगला ने जाए के जवाब दिए कि वो सुरुचि का बेटा सुनीति का बेटा गद्दी पर बैठा, आपका बेटा जमीन पे खड़ा है। नागिन सी फुंकारती हुई पहुंची और बोली है अरे कमीन चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्कल है कहां तुम्हारी भूख, सिर पर ये गधा चढ़ाया है। और ध्रुव तू सुन ले, अगर इतनो ही राज्य को अधिकारी बनवो चाहते है ना तो यहाँ से जा भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले तब तू उस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। महाराज ये बात चुप गई। और कहते हैं ना कि आदमी पर जब भगवान के भक्ति का नशा चढ़ जाए ना तो वो जीवन पर्यंत तक उतरता नहीं है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, कृष्ण के नाम का जाम पीकर तो देख जिंदगी में कभी ना उतर पाएगी। कारी कमरिया में कोई दूसरो रम चढ़ने वालो नहीं। ध्रुव बोले माँ कहाँ जाना है? बोले वन में। और कहते भी है कि जिस जिसने दो शादियां या तीन की हैं उनका परिवार नष्ट हो गया लिखा है। अरे मौसी होती बिसकी